सबसे पहले ही आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं बेबी बानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बेबी उत्तराखंडी ब्लॉग पर। और सुबह के बज गए हैं 10 बजे से कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। और नाश्ता पानी हो गया है, मैंने नहा धो लिया, कपड़े भी धो लिए हैं और सारे मेहमान जा चुके हैं आज बुआ लोग। और तो मम्मी लोग गए हैं ऊपर खेत में और मनीषा आ गई है जंगल से। और अयांश के पापा और छोटे चाचा गए हैं छोटे चाचा को दिखाने के लिए ऋषिकेश। तो आज घर में तो बहुत ज़्यादा सुनसानी हो रही है क्योंकि सब अपने अपने काम में चले गए हैं। घर में मैं थी, मैंने नहा धो के कपड़े भी धो लिए हैं और अब चाची लोगों के साथ ऊपर खेत में जाती हूँ, देख के आती हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग। और मम्मी भी वहीं गई है और दोनों चाची लोग भी वहीं गए हैं। तो अयांश को ले जा रही हूँ मैं घुमाने के लिए और देख के भी आती हूँ ऊपर खेत में वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो अयांश। गोदी थोड़ा थोड़ा चलो फिर यहाँ से रास्ता। यहाँ है अम्मा लोग, यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो? बस पिन आलू लगा लिए। ये देख बेनी है, मुझे मुंह पर का है। ये वैनी है। बुबू ने दे दिया हमको गन्ने और हम लोग खा रहे हैं गन्ना। ये देखो ये भी खा रही है, छोटी भाभी खा रही है, बुबू की नातनी है, ये भी खा रही गन्ना। कैसे लगे गन्ना? मीठा हो रहा है या कहीं गर्म है? अच्छा, चाची आ गई तो के जो हम ला आगे खावे बेटी। आज क्या बन रहा है? आज चाचा बना रहे सांबर और ये देखो सांबर का इंतजाम, सब्जी और ये है दाल। दाल किसकी बनी? दाल नहीं सांबर। बाप हो तो किस रे सांबर। कर रहे हैं चावल साफ। वो जो मेरे को पता लग गए साफ कर दिए हैं, थोड़े और बचे छेड़ जा पूरा अमदार से। अब मैं जाती हूँ घास लाने के लिए, चाची ने इतना घास यहाँ सूखने के लिए डाल दिया है क्योंकि बारिश की वजह से गीला हो गया था। और अब मैं भी जा रही हूँ खेत में। दिव्या ला रही है और अब मैं भी लाती हूँ। लीजिए लगा दियो, तुम फटाफट लगाओ, हम खेत ना बास ला रहे गजो मक्की जो रोने। घास हार दिया है, बस इतना ही बचा है और सब दिव्या ने डाल दिया था, थोड़ा मैंने डाल दिया आंगन में। और अब सुखा के फिर इसको गोट में रख देंगे।
पूरा घास हमने आंगन में फैला दिया है, तब तक नहीं फेंक रहे पेड़ में, हमारा पेड़ नहीं है वही तो, ये देखो इसको तोड़ना है, खाना है तो पेड़ में जाओ और ऐसे मत तोड़ो ना, ये खाना खाने के लिए। तो ये देखो मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ पाप, ये कौन है मनीषा ने बनाए हैं शॉर्ट वीडियो, काशी यही सारी उम्र, आओ आओ। और चाचा बन गया सांबर आज तो बहुत, चाचा नाल भजाओ भरेलो सांबर और पापा नाल जोए, आज बनाए हैं चाचा ने सांबर और पापा ने कड़ी प्याज की, मनीषा ने भात, मनीषा हेल्पर बैनर ओ कम कम क्यों कम कम क्यों ए था जदू दूसरा खाए में कितने बताया पर मगा दे दियो सांबर ना खानी खेतों पे, अरे सब चीज खेते किनारे में एक उम्र है बर्बाद करे नहीं आया इसमें खट्टापन, मैंने कहा जो मुनी तब अच्छा खिद देकर पड़ और इतना बढ़िया होता वो खट्टापन के, दही डालने वाले ठहरे सांबर में, सांबर जब इमली नहीं होती दही डाल दो पापा पास की जोई में, जोई बढ़िया है चाचा सांबर में फेल, सांबर उसे रह के बताओ कर रहो नन्ना ए बताओ खाते आओ मनीषा बच रहे मनीषा बच रहे मनीषा जबरदस्ती खाने आया सर तो बाहर को छोड़ दीजिए पीयूष अपना रिव्यू दे तो ज्यादा झोली अच्छी हुई थी सांबर बताना सांबर चाचा सांबर जा रही है भाभी धोने के सांबर तो सांबर ज्यादा बोलर थी जोए सांबर बढ़िया ओए सांबर मैं सांबर सपोर्ट में छी सांबर ज्यादा भले रहे जोए जोए किले किले जोए बहुत बड़ी स्वादिष्ट रहे सांबर को खटाई नहीं था बताओ झोली अच्छी क्यों हुई थी क्योंकि बनाई थी आपने हां ना आपने मैंने तो जोए खाई ना पर तू तो सांबर भल लागो लेकिन बुई अच्छी सांबर मोमो चाउमीन आइसक्रीम ठंड खोलू पे ब्याह कर खुलन ब्याह कर
कसरा स्कोर? ये चाची अपनी बात से पलटी खाती हुई। चाची सांबर बोले अच्छी जो है, दोनों अच्छे होते जोली भी और सांबर भी। आपको ज्यादा क्या पसंद आया? तो मैंने एक कटोरी जोली खा ली, आधी कटोरी सांबर। ओहो, एक कटोरी चावल बस। वैसे मैं डाइट में रहती हूँ, डाइटिंग में नहीं तो। अरे इतना ही खाती हूँ यार, ज्यादा खाती हूँ क्या करना। हाँ, डाइटिंग मेंटेन रहती है वैसे चाची की। बाद के और लकड़ियाँ लकड़ियों से सपोर्ट दे रहे हैं चाचा। आज सुबह से चाचा इन्हीं पेड़ों में लगे हैं, और थोड़े उधर बगल में वाले पेड़ चाचा ने सपोर्ट दे दिया है लकड़ी से। ठंगर लगा दिया। टमाटर पकेंगे? हाँ, टमाटर खाएगा। हाँ, सरसों तमाई बीन गोड़ने लग गई है। गांव में बीन हो गया है धान के पेड़, और चिमनी अम्मा हमारे दो कुदाल लेके जा रही है। शाम के बज गए हैं 5:30, और हम लोग जा रहे हैं खेत में, और मम्मी अयांश को लेके भी आ गई है, और यहाँ बीन गोड़ना हो रहा है हमारा। तो चाची भी आ गई है खेत में, और ससुर अम्मा भी आई है खेत में उधर। पाम एक ट्वाजी लूना पे पूर्ण बीन भल रो यार। ये पतौला रो दे तुमन पूरा गोड़िया मो को तुम पछिल का गोड़ी है तो ईद को तो रह रहे हो। अरे वो देखो चिमनी अम्मा भी गुड़ाई कर दी है, छोटी अम्मा भी गुड़ाई कर दी है, अम्मा भी गुड़ाई कर दी है। अयांश और मैं आ गए घर को, क्योंकि अयांश का मन नहीं लग रहा था खेत में, और उसको भूख भी लग गई है, इसलिए हम दोनों आ गए हैं घर को। और मम्मी चाची लोग अभी खेत में ही हैं। चलो और आज बना रहे हम शाम को चौमीन। कल चाचा ने पैसे दिए थे मनीषा को, चाचा बोले थे मेरे तरफ से पार्टी है, तुम लोग जो भी खाओगे मंगा लेना। तो मनीषा लेके आई है कल सिराघाट से 2 पैकेट चौमीन के, और आज शाम को हम चौमीन बना रहे हैं। तैयारी हमारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, लकड़ियाँ भी रख दी, पानी भी भर दिया है दिव्या ने, और अभी चाची लोग खेत से आए नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद वो आ जाएंगे। और मनीषा भी घास के लिए गई है, और जब मनीषा भी आ जाएगी तो उसके बाद हम चौमीन की तैयारी करेंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे आज की पार्टी। टाइम का खूबसूरत सा व्यू। आज गई है मनीषा इधर वाले पेड़ पे, यहाँ है मनीषा। हमारी है चौमीन पार्टी जो हमारे चाचा जी ने दे रखी है। तो चौमीन हमारे उबल गए हैं, और गोभी भी काट दी है, और मनीषा काट रही है यहाँ पे
मिर्ची और प्याज और शिमला मिर्ची पापा ने काट के रखी थी पहली, और ये कढ़ाई हमारी चाउमीन वाली, और इसमें बन रही है पापा और चाचा के लिए न्यूट्रिला की सब्जी, आलू और न्यूट्रिला की। रायता की इंतजाम हो रही है, चाची रायता बना रही है खीरा की। खीरा खाचो है? तो आज वो ज़्यादा ही पकड़ दे मेरी भाभी द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट चाउमीन का आनंद लेने के लिए आप सब कमेंट करें, भाभी सबके घर पार्सल कर देगी। गौरव का रिव्यू देखते हैं कैसे हो रहे चौप ला जो आप वो बोल ही नहीं, शब्द ही नहीं है उसके पास। गौरव के खाने के तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौमिन कैसे हो रहे हैं। गौरव एक बार प्लीज अपने मुंह से प्यारे प्यारे शब्दों में भाभी की तारीफ कर दीजिए। बढ़िया हो रहे हैं। ओ हो हो और हमारे चौमीन बन गए हैं, एक बने हैं स्पाइसी और एक बने हैं सिंपल, और ये है फेंटा, चाची बाटी फेंटा और मम्मी बाटी है चौमीन। चाची चौमीन कैसे हो रहे हैं? चौमीन का आनंद लेते हुए चाची हमारी, और चाची फेंटा जूस भी लेके आओ, माजा माजा भी लेके आओ, पैक बनाते हुए चाचा नीचे। खुशानी नहीं लगे था ये बिना मिर्ची का है यार, मिर्ची ये कितना मिर्ची खा रहा हूँ। दिव्या ने सारा चट करते हुए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।